नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आईपीएल 2019 का छठा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अपने पहले मुकाबले में जीत के साथ आईपीएल 2019 में शुरुआत की है और जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब तक इन दोनों टीमों के बीच में आईपीएल में 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15 और किंग्स इलेवन पंजाब ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको ऐसे ही आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरें देते रहे। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। दोस्तों, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की बात करें तो क्रिस लिन और नीतीश राणा सलामी जोड़ी के रूप में नजर आएंगे। मध्यक्रम में रॉबिन ओथप्पा और सुमन गिल नजर आएंगे। लोअर मिडल ऑर्डर में कप्तान दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल और सुनील नारायण की जगह पक्की है। वहीं स्पिन गेंदबाजी की पूरी जिम्मेदारी रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव और पीयूष चावला संभालेंगे। वहीं तेज गेंदबाजी का जिम्मा प्रसिद्ध कृष्णा और लॉकी फर्ग्यूसन के कंधों पर होगा। दोस्तों, दूसरी ओर किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें तो केएल राहुल और क्रिस गेल सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे। मध्यक्रम में मयंक अग्रवाल, सरफराज खान और मनदीप सिंह टीम का अहम हिस्सा होंगे। लोअर मिडल ऑर्डर में निकोलस पूरन और सैम करन टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। वहीं स्पिन गेंदबाजी की पूरी जिम्मेदारी टीम के कप्तान रविचंद्रन अश्विन और अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर रहमान संभालेंगे। वहीं तेज गेंदबाजी का जिम्मा मोहम्मद शमी और अंकित राजपूत के कंधों पर होगा। दोस्तों, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 इस प्रकार हो सकती है। पहले बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तो क्रिस लिन, नीतीश राणा, रॉबिन ओथप्पा, सुमन गिल, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, प्रसिद्ध कृष्णा और लॉकी फर्ग्यूसन को मौका मिल सकता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सुनील नारायण जो है वो पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे, इसलिए उनकी जगह कार्लोस ब्रेथवेट को जगह मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की तो यहाँ पर उनके ओपनर्स केएल राहुल, क्रिस गेल, इसके बाद मयंक अग्रवाल, सरफराज खान, मनदीप सिंह, निकोलस पूरन, सैम करन, रविचंद्रन अश्विन कप्तान, फिर मुजीबुर रहमान, मोहम्मद शमी और अंकित राजपूत खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।